हमें सुनने नहीं आए हैं, आप जिन्हें सुनने आए वो भी बहुत जल्द आएंगे। हाँ, क्या है, आप लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं ना, आप लोगों की वरिष्ठ अधिकारी तो इन लोगों की सिग्नेचर की वैल्यू है ना। सब अपनी अपनी सीट जस्टिफाई करते हैं, वैसे ही कवियों को भी अपना पेमेंट जस्टिफाई करना होता है। तो अगर जितना जल्दी आप हम लोगों को यह एहसास करा देंगे कि हमारा पेमेंट जस्टिफाई हो गया है, उतनी जल्दी सुरेंद्र शर्मा जी माइक पे आ जाएंगे। क्या बात है। हाँ। और अगर आपने जस्टिफाई नहीं कराया, दो दो घंटे हम पढ़ सकते हैं। तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि सुरेंद्र शर्मा जी कितनी जल्दी माइक पे आएंगे। तब मैं सुनाता हूँ, छोटी छोटी बातों से कोशिश करूंगा आपको हंसाने की, गुदगुदाने की। हमारे पास कोई यंत्र तंत्र नहीं है, कोई तबला ढोलक पेटी नहीं है, केवल शब्द है। मैं मेरे शब्द के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, जहां बात आप तक पहुंचे आपकी प्रतिक्रिया मिलती रहे, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है। पहला कवि हूं तो जिम्मेदारी थोड़ी सी आप पर ज्यादा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस को सुना रहा हूं, और आप ये मान के चलो कि आप ब्रह्मांड के सबसे अच्छे कवि को सुनने आए हो। क्या बात, जिंदा बात। तो सुनाता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। अभी दो पंक्तियों पर आपकी तालियां इस कवि सम्मेलन को शुरू करेंगी कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो घर मिल जाए तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। और आदरणीय चुपी सर, मैं आपको बताऊं, मेरा सिलेक्शन भी एनटीपीसी में हो गया था सर, लास्ट राउंड में रिजेक्ट हो गया, वो भी मेरी गलती की वजह से ही हुआ। मैं गया लास्ट राउंड में, मुझसे कहा कि देखो रोहित जी, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक क्वार्टर दिया जाएगा। मैं कुछ और ही समझ लिया। मैंने कहा वो तो ठीक है, नमकीन कौन देगा। बहुत अच्छा। हाँ, तुरंत जो है वहां से हट गए। फिर मैंने कई साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, बहुत साल किया, वहां से भी मैंने रिजाइन कर दिया। हाँ, क्योंकि मेरे बॉस मुझे हमेशा कंफ्यूज करते थे। मैं वन लाइनर कवि हूं, इसलिए जहां बात पहुंचती रहे बताते रहना। मेरे बॉस मुझे हमेशा कंफ्यूज करते थे। जब भी मैं अप्रेजल मांगने जाता था, इंक्रीमेंट मांगने जाता था, तो मुझसे कहते थे तू काम ही क्या करता है, और जब मैं छुट्टी मांगने जाता था तो कहते थे तेरा काम कौन करेगा। इसका अच्छा आप लोगों के यहां सर मैं बताऊं, इतना ज्यादा एक तो प्रोटोकॉल है सर आप लोगों के यहां।